हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे एक कप गेहूं के आटे से एकदम ही खस्ता स्नैक्स रेसिपी और साथ ही साथ में हम बनाएंगे एकदम चटपटी सी चटनी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 1/4 कटोरी सूजी ले लिया है और अब 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 2/3 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून नमक और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि एकदम ही खस्ता बन के तैयार होगा हमारा स्नैक्स रेसिपी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे ऑयल जो है अच्छे से ये मिक्स हो जाए इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे, जैसा हम रोटी के लिए डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। पानी जो एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से क्या है वो गीला हो सकता है, तो ध्यान रखें कि वो डो जो है वो गीला ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा डो जो है एकदम बढ़िया से एकदम तैयार है। तो अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक हम अपनी चटपटी से जो चटनी है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने इमली का पानी ले लिया है। मैंने 1 लेमन के साइज का इमली को भिगो के रख लिया था और उसका पल्प निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज को एकदम बारीक कट करके ले लिया और थोड़ा सा हरा धनिया। और अब यहाँ पे मैंने 1 उबले हुए आलू को ग्रेट करके ले लिया और 2/3 टेबल स्पून सादा नमक, 2/3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें काला नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने शुगर ले लिया जिसे पाउडर कर लिया था। और अब हम इसे एकदम बढ़िया से एकदम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर इतना बढ़िया लग रहा है एकदम, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो मैश करके जो आलू उसमें डाला था इस वजह से इसका जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसे स्किप ना करें, हो सके तो उबले हुए आलू को डालें। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी नान, कुलचा, पराठा, चाट, समोसा, कचौरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे खट्टी मीठी तीखी चटपटी से चटनी बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हमारा चटनी तो एकदम तैयार है। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे आलू जो है बॉईल करके रख लिया था और अब हम इसे छील लेंगे। तो आलू जो है एकदम छोटा छोटा है इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में आलू लिया, नहीं तो आप मीडियम साइज के 4 आलू लेंगे उतना होगा ये। और इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया यहाँ पे और 1 बड़ा प्याज को एकदम बारीक कट करके ले लिया और थोड़ा सा हरा धनिया को बारीक कट कर लिया। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ले लिया, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक और यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला डाल देंगे। आप चाहे तो उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और हम इसे एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसको, जिससे सारे मसाले जो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे बॉल्स तैयार कर लिए, तो टोटल पे 12 बॉल्स बन के तैयार हुआ। और अब यहाँ पे 10 मिनट भी हो चुके, हमारा जो डो है बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे गूंद लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से इसके लोई तोड़ लेंगे और इसे एकदम जैसे रोटी हम लोग बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लोई है बिल्कुल तैयार है और मैंने इसमें थोड़ा सा आटा लगा लिया जिससे कि ये चिपके ना। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से इसे बेल लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा तिल डाल देंगे, सफ़ेद तिल, आप चाहे तो इसमें काला तिल भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ले लिया जिसे एकदम दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया को एकदम बारीक कट करके ले लिया, हम उसे भी डाल देंगे। और अब हम इसे एकदम हल्का हल्का इसे और बेलेंगे जिससे कि जो है ये सारे जो मसाले जो मैंने ऊपर से डाला है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो इस तरीके से हम हल्का सा प्रेस करते हुए इसे बेल लेंगे। और अब पूरे मसाले जो एकदम अच्छे से चिपक चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे कितना रखा हुआ है बेल के, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उससे थोड़ा सा ये मोटा है। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले लिया जो काफ़ी शार्प है, तो इस तरीके से हम इसे पूरा कट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई कटोरी की जगह पर ग्लास भी ले सकते हैं। और हम इसे हल्का हल्का और बेलेंगे जिससे थोड़ा सा इसका साइज जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अब इसे हम इस तरीके से हाथ में ले लेंगे और जो बॉल्स हमने बना के रखे थे आलू का उसे रखेंगे और इस तरीके से इसे कवर करते हुए हम इसे राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो अगर इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट अगर रहे तो आप इसे इस तरीके से करके इसे अलग कर सकते हैं जिससे कि वो वहाँ पे मोटा ना हो। और इस तरीके से हम इसे पूरा हर एक राउंड्स को बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैंने 12 बॉल्स बना के तैयार किया। और अब यहाँ पे हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया और यहाँ पे मैंने अप्पे का पैन ले लिया और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल जो मैं एकदम ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ा थोड़ा ऑयल मैंने ले लिया है। और अब हम एक एक करके सारे बॉल्स को इसमें रख देंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखा हुआ है
वैसे तो मैंने इसे अप्पे पैन में बनाया, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये तभी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इसे इस तरीके से ब्रश से हम इसमें और ऑयल लगा लेंगे और हम इसे उलटते पुलटते करके इसे एकदम ही अच्छा गोल्डन होने तक हम इसे एकदम पका लेंगे चारों तरफ से। आप ध्यान रखें कि बस इसे ढक के ना पकाएं, क्योंकि अगर इसे ढक देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये एकदम ही कुरकुरा खस्ता बने। इस तरीके से आप इसे बिना ढके ही पूरा बनाएं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो एकदम ही बढ़िया सा स्नैक्स रेसिपी जो बन के तैयार है, साथ में खट्टी मीठी चटनी। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपकी रेसिपी कैसे बनी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।